नमस्कार, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि किस रत्न को किस विधि से किस दिन धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने के विषय में बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट पर या जगह जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन रत्न को कब उतारना चाहिए, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, किन परिस्थितियों में रत्न को चेंज करना चाहिए, यह जानकारी आम तौर पर बहुत कम मिलती है। आज इसी विषय में विस्तार पूर्वक प्रमाण सहित चर्चा होगी। मित्रों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, किसी भी चीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है या कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है, धर्मशास्त्रों के अनुसार उन परिस्थितियों के बाद आपको रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो विस्तार से आपको मैं बताऊं, उससे पहले भूमिका में जाना अति आवश्यक है। जब आप कोई रत्न धारण करें तो रत्न धारण करने से पहले चिंतन मनन मंथन करें और 1000 बार विचार करके ही आप कोई रत्न धारण करें। रत्न धारण करने के पश्चात अपने आसपास के वातावरण पर, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बारीकी से ध्यान रखें, नजरें गड़ाए रखें। अगर रत्न धारण करने के पश्चात लगातार आपके काम बिगड़ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके संबंधों में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, आपके जो अपने हैं वो पराये होते जा रहे हैं, आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सप्ताह भर के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर उस रत्न को उतार दें। अगर रत्न धारण करने के पश्चात आपको लगातार आपके आसपास का वातावरण बिगड़ता जा रहा है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, तो उस रत्न को आपको लंबे समय धारण नहीं करना चाहिए और हमेशा के लिए उतार देना चाहिए। लेकिन यदि आपने कोई रत्न धारण किया और उसके पश्चात 1-2 महीना सब कुछ ठीक ठाक चलता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना, तो वह आपका भाग्य रत्न है और आपको उस रत्न को जीवन भर धारण करके रखना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, कुछ मित्रों ने कोई रत्न धारण कर लिया, 1 साल तक ठीक चला, 1 साल के बाद दिक्कतें शुरू हो गई, तो डाउट करते हैं कि इसके कारण तो नहीं हो रहा और उसको उतार देते हैं। दोस्तों, बिना किसी ठोस कारण के, दिक्कतें तो जीवन में किसी और कारण से भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो रत्न आपने धारण किया है वह आपको दिक्कत करे। अगर वह रत्न आपको दिक्कत करेगा तो शुरू के 1 महीने में आपको स्पष्ट पता लग जाएगा यह रत्न आपको सूट करता है कि आपको सूट नहीं करता है, यह रत्न आपको अनुकूल है या अनुकूल नहीं है, वह शुरू के 1-1.5 महीने में पता चल जाता है। उसके बाद में यदि आप बिना किसी बड़े कारण के रत्न को उतारते हैं डाउट बहम के आधार पर, तो निश्चित रूप से आप किसी बड़ी विपत्ति को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि जो रत्न आप पहनते हैं उसे कहा जाता है भाग्य रत्न, और रत्न आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। भाग्य रत्न ही उसको इसलिए कहा जाता है कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके भाग्य से होता है। तो मित्रों, भाग्य रत्न को देखो, धूप छांव जीवन में आती है, सुख दुख आते हैं, अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं, मेरे साथ भी छोटे छोटे समस्याएं आती रहती हैं। अभी पिछले महीने मेरे 2 एक्सीडेंट हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पन्ने के कारण हुए या इसके कारण हुए या उसके कारण हुए, ऐसा नहीं होता। आदमी को बहम ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई रत्न आपको सूट नहीं है तो शुरू के 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको स्पष्ट पता चल जाता है, उस कहानी को वहीं खत्म कर दो, उसको वहीं उतार के रख दो, उसको लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यदि आपका रत्न धारण करने के 1-2 साल बाद किसी कारण से चटक जाए, कहीं हाथ वाथ लग गया आपका, रत्न आपका टूट गया, निशान आ गया, स्क्रैच आ गई, तो उस परिस्थिति में आप रत्न को बदल सकते हैं। मान लिया पन्ना आपका चटक गया या उसमें स्क्रैच आ गई किसी कारण से, तो उसे उतार करके दूसरा पन्ना विधि विधान से आप पहन सकते हैं। टूटने पर, स्क्रैच आने पर, या बहुत महंगा रत्न पहनने का मन होने पर, चलो भाई हमने 10,000 रुपए का पन्ना पहना और अब हमारा मन है कि हम 1 लाख तक का, उससे ज्यादा हमें लगातार फायदे हो रहे हैं, तो आप रत्न को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ में आप उस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उल जलूल, बिना किसी कारण के, बेवजह आपने रत्न को उतार दिया, तो
आप अपने जीवन में किसी बड़ी विपत्ति को बुलावा दे रहे हैं, या आप जो आपकी तरक्की होने वाली है, जो आपको पैसा मिलने वाला है, आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं। क्योंकि भाग्य रत्न कहा जाता है, यह आपके भाग्य से जुड़े हुए होते हैं। अपने भाग्य को स्वयं ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब कर लेता है, खराब कर लेता है। दोस्तों, मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते।